क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 8.1, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ऑफ ए। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो एक आप राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर लीजिए। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी, ये आप लिख लेना यहाँ पर, क्लियर है। अब देखिए साइन ए हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू है 3/4, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो साइन ए जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये ए पॉइंट है, ये एंगल ए हो जाएगा। सो साइन ए दैट विल बी ऑपोजिट साइड बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, इसको इक्वेशन सेकेंड कह दिया। यहाँ पर साइन ए इक्वल है 3/4 के, साइन ए इक्वल है बी सी बाई ए सी के, सो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज़ भी क्या रहेंगी, इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 3/4। अब लेट करते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू 3k एंड ए सी इज इक्वल टू 4k, ठीक है। रेशियोज हैं, इस तरीके से लेट कर सकते हो आप, रेशियो को ऊपर नीचे सेम किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी सी की वैल्यू हमने चूज़ करी वो है हमारे पास 3k, ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पर चूज़ करी वो है 4k, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी वी गेट ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज ए सी की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 4k और उसका स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए बी, हमने फाइंड आउट करना है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी की वैल्यू है 3k और उसका स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज यहाँ पर तो हो गया 16k स्क्वेयर, ये 9k स्क्वेयर, राइट साइड में पॉजिटिव है लेफ्ट में आगे नेगेटिव हो जाएगा, 9k स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 16 - 9 दैट विल बी 7k स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज ए बी जो है उसकी वैल्यू है यहाँ पर स्क्वेयर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ k स्क्वेयर, वहाँ पर सिंपली आप इसको k लिख सकते हैं। सो इसकी जो वैल्यू है वो है स्क्वेयर रूट ऑफ 7 इंटू के। अब आपसे पूछा गया था कोस ए की वैल्यू बताइए, कोस ए ये एंगल है, ए है, कोस ए का मीनिंग है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी की वैल्यू है स्क्वेयर रूट ऑफ 7k डिवाइडेड बाई ए सी, उसकी वैल्यू है 4k, के से के कैंसिल दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ 7/4, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या होता है, ए के ऑपोजिट वाली साइड उसको डिवाइड करना है हमने इसकी एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी से, बी सी की वैल्यू है 3k, ए बी स्क्वेयर रूट ऑफ 7 × k, के से के कैंसिल 3/√7, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A = 8 देन फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। हमें गिवन है 15 cot A = 8 विच इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं कोट ए इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है तो ये एंगल ए रह गया। अब यहाँ से इसको तो इक्वेशन हमने फर्स्ट लेट कर लिया, फ्रॉम दिस ट्रायंगल कोट ए विल बी इक्वल टू, कोट ए क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी विच इज इक्वल टू ए बी। देखिए यहाँ से कोट ए इसके इक्वल है, ये कोट ए इसके इक्वल है, इसको आप इस सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू 8/15 विच इम्प्लाइज हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू 15k। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये है ए बी की वैल्यू 8k और बी सी की वैल्यू है 15k। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, वहाँ से ए सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ, आप लिख सकते हैं इन
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी वी गेट दिस ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर। ए बी हमारे पास यहाँ 8k और उसका स्क्वेयर प्लस 15k होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, इसका स्क्वेयर करोगे तो 64k स्क्वेयर प्लस 225k स्क्वेयर विच इम्प्लाइज ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करिए 9 8 एंड 2 के स्क्वेयर। 289 का स्क्वेयर रूट होता है 17, के स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट रहेगा के। सो ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये है 17 के। आपसे पूछा गया था साइन ए की वैल्यू बताइए। साइन ए जो है अगर ये एंगल ए है, साइन ए होता है इसके ऑपोजिट वाली साइड दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई ए सी विच इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है हमारे पास 15 के डिवाइडेड बाई ए सी उसकी वैल्यू है 17 के। कैसे के कैंसिल 15/17। अब आपसे पूछा गया था सीकेंट ए, सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है कोस का उल्टा या हम कहें कोस का रेसिप्रोकल। कोस होता है दिस बाय दिस और सीकेंट होगा दिस बाय दिस दैट इज ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। ए सी की वैल्यू है 17 के डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 8 के से के कैंसिल विच इज इक्वल टू 17/8। ये हमारा आंसर है।